उसका आलम हमारी शनाख्त है। जिनके पास झूठ हो वो सच्चे मजहब को क्या झुकाएंगे? तुम्हारे पास अबू हुरैरा की झूठी रिवायतें हैं, हमारे पास सखी अब्बास का सच्चा आलम। मैं हिंदुस्तान गया, 13 अगस्त की तारीख थी, वो अपनी जश्न आजादी मनाते 15 अगस्त को, हम 14 अगस्त को, 15 अगस्त के उनकी आजादी, 14 को हमारी। 13 अगस्त को मैं लाहौर आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, हर तरफ तिरंगा, तिरंगा समझते हैं, इंडिया का झंडा 3 रंगों का है, मुशरक के 3 रंग होते हैं। क्योंकि मुशरकों का झंडा है 3 रंग का झंडा, तिरंगा उसे कहते हैं। ये तसलीस जुड़ी हुई है मुशरक के साथ सकीफा से आज तक, हर तरफ उनका झंडा, कहीं पाकिस्तान का झंडा नहीं था। 35 मिनट की फ्लाइट के बाद मैं लाहौर पहुंचा, हर तरफ पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पंजे तनी तारे के साथ चमकता हुआ। और अब जो मैंने देखा तो इंडिया का झंडा नजर ना आया, मुझे पाक इमाम हुसैन की शहादत की कसम, पाकिस्तान का झंडा दिल्ली में नजर नहीं आ रहा था, इंडिया का झंडा लाहौर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे गाजी अब्बास की इज्जत की कसम, सखी अब्बास का परचम दिल्ली में भी लहरा रहा था, लाहौर में भी लहरा रहा था।